एक प्रोडक्ट एंड बहुत सारे फायदे, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, है भी इंटरेस्टिंग और होता भी है, ये वर्क भी होता है, ट्राइड एंड टेस्टेड, यस, एंड आपके हेयर ग्रोथ से लेके आपके स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके लिप्स के लिए, आपकी आईब्रोज के लिए परफेक्ट आपको दिखाने के लिए एक प्रोडक्ट है जो बहुत सारे फायदे देता है एंड इट्स tried and tested as I told you. So yes, welcome to my channel Wanderlust Born to Travel. Today I am going to show you guys one product which is castor oil. So I'm going to share with you all today castor oil ke fayde jo aapke liye bahut hi zyada beneficial hai. So yeah, without any further ado is video ko shuru karte hain, but usse pehle if aapne mere is channel ko subscribe nahi kiya hai to do not forget to like, share and subscribe to my channel. Yeah, because we are very close to 10k subscribers and I'm really excited. So yeah, subscribe ka button daba do and ghanti baja do, bell notification on kar do, so that main koi bhi naya video upload karungi to aapko zarur pata chalega. Now without any further ado, let's get started with this video. Okay, so as I told you ki I'm going to tell you guys फायदे castor oil के, but yeah, इससे पहले जो मैं castor oil use कर रही थी वो just मैंने market से ले लिया था. I didn't go with a brand or any recommendation. I just went to a shop and I asked for castor oil. But yeah, this time मुझे recommendations मिली and I bought wow का castor oil and yeah, इसके बहुत सारे फायदे हैं. This packaging looks like this and फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्राइस बता देती हूँ मैं आपको. तो इसकी प्राइस है 399, बट अभी ये डिस्काउंट में चल रहा है, सो आप डेफिनेटली अगर इसे परचेस करना चाहते हैं तो यू कैन बाय. आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो दैट यू गाइस कैन सी, एंड इफ आप लोगों को लेना है तो आप लोग डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हैं. बट फर्स्ट मैंने इसे ओपन भी नहीं किया है, सो आई एम गोना ओपन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, सो लेट मी ओपन दिस फर्स्ट. तो या इसकी पैकेजिंग बहुत ही सही है, लाइक या इट्स बॉक्स एंड देन ये अंदर बॉटल है, ये 200 ml का बॉटल है ये, एंड यस लेट मी ओपन दिस. सो या वाओ, ये पूरा ही पैक्ड है, सो सबसे पहले तो इसे ओपन कर लेते हैं हम, सो दैट कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ कि वॉट इट इज, और साथ ही साथ इसके फायदे भी मैं आप लोगों को, जो बेनिफिट है आप कैसे इसे स्किन से लेके अपने हेयर के लिए यूज कर सकते हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो पूरा वीडियो देखिएगा सो दैट आप लोगों को पता चलेगा. एंड गोइंग टू ट्राई दिस नाउ. सबसे पहला, अगर आप इसे हेयर पे यूज करेंगे तो कैसे यूज करना है, मैं यहाँ पर आपको दिखाते भी जाऊंगी सो दैट आपको पता भी चलेगी कैसे इसे यूज करना है, एंड साथ साथ मैं आप लोगों को बताते भी जाऊंगी सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो जाए. तो यस, सबसे पहले बात करते हैं हेयर ग्रोथ के लिए. सो हेयर ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बोल में थोड़ा सा निकाल लेना है, उसके बाद से थोड़ा सा हीट कर लेना है, थोड़ा गर्म कर लेना है सो दैट कि आपके बालों में अच्छे से लग जाए. वैसे मैं प्रेफर करती हूँ, मेरी मम्मा हमेशा बोलती है कि बालों में जो तेल लगाते हैं ना उसे थोड़ा सा गर्म करके स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके लगाना चाहिए, उससे बहुत अच्छे जड़ों में आपके ऑयल चला जाता है. क्योंकि ठंड के टाइम तो हम गर्म करते ही है, बट ऑन ऑफ सीजन में भी हमें इसे गर्म करके ही लगाना चाहिए, इससे कुछ अलग इफेक्ट आपको मिलेगा. या सो इस तरीके से आप इसे लगा लेंगे अपनी बालों में, ओवरनाइट छोड़िए क्योंकि एक दो घंटे, कई लोगों को मैं देखती हूँ जो एक दो घंटे बालों में तेल लगाकर रखते हैं तुरंत वॉश कर देते हैं, नो, इससे कुछ जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मैं जो हमेशा करती हूँ, आई बिलीव इफ मैं सैटरडे घर पर हूं ना तो मैं सुबह सुबह मम्मी से चंपी करा लेती हूँ, एंड उसके बाद पूरा दिन जो है उसे वैसे ही रहने देती हूँ अपने बालों में, एंड संडे को मैं हेयर वॉश करती हूँ. या सो होल डे चंपू डे, एंड या नेक्स्ट डे मैं हेयर वॉश करती हूँ. तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम लाइक वीक में 5-6 दिन पूरा अपने हेयर पे बिल्कुल ऑयलिंग नहीं रखते हैं, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली ऑयल लगाकर नहीं जाते हैं, एंड हम अगर एक दिन भी अपने बालों को अच्छे से चंपी करके अगर ऑयल लगाकर छोड़ दें तो उसकी ग्रोथ सही होती है. एंड दैट्स व्हाई मेरे हेयर अभी तक जो इतने बचे हुए इतने अच्छे हैं वो बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड माई ग्रैंड मदर, जिन्होंने चंपी कर करके बालों में इतना सारा तेल लगाया. एंड हम भी अच्छे बच्चे थे, हम भी बालों में तेल लगवा लेते थे. आज भी मैं अपनी मम्मा से बाल में तेल लगवाना जब मैं घर पर होती हूँ प्रिफर करती हूँ, बिकॉज वो बड़ा ही मजा आता है. ओके, सो ये तो हो गया आपके हेयर ग्रोथ के लिए. नाउ लेट मी टॉक अबाउट योर स्किन. तो स्किन के लिए आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल इज रियली गुड फॉर स्किन. ये आपकी स्किन में ग्लो के साथ साथ हाइड्रेशन देता है, और इफ आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन आप लाइक एंटी एजिंग वाला भी जो प्रॉब्लम होता है वो चीज के लिए भी आप इसे कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट, आपको रात को सोने से पहले फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है.
क्लीन फेस में इसे आपको अप्लाई करना है विदाउट एनी प्रोडक्ट. आपके कोई प्रोडक्ट नहीं लगे होने चाहिए आपके चेहरे पर. सिर्फ 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 आपको कैस्टर ऑयल लगाना है, जिसके लिए आपको अपना फेस पहले वॉश कर लेना है अच्छी तरीके से. एंड देन थोड़ा सा 4-5 ड्रॉप आप कैस्टर ऑयल लेंगे, अच्छे से पाम से अपने हाथों में रब करेंगे एंड उसके बाद अपनी फेस पे जेंटली मसाज करेंगे. दैट्स व्हाट आई एम शोइंग यू इन दिस. या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जेंटली आपको मसाज करना है. वैसे भी मसाज करना अपने स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बढ़ाता है एंड इससे आपकी स्किन वैसे ही हेल्दी हो जाती है. सो यार डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए आप इसे मसाज कीजिए सो दैट आपकी स्किन में अंदर तक पहुँच के हाइड्रेशन दे आपकी स्किन को. नाउ आप आराम से सो सकते हैं. लगाने के बाद थोड़ी देर बाद आप आराम से सो सकते हैं. सुबह उठ के आपको अच्छा फील अपने आप होने लगेगा. या बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम लाइक मेरी समटाइम मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, बहुत ऑयली हो जाती है. इट डिपेंड्स ऑन सीजन या वेदर पे डिपेंड करता है. ठंड में ऑब्वियसली सबकी स्किन ड्राई होती है तो मेरी भी स्किन ड्राई होती है. बट वैसे मेरी यूजुअली ऑयली स्किन है. बट स्टिल आई एम गोइंग टू यूज दिस कैस्टर ऑयल. थोड़े एक हफ्ता यूज करके देखूंगी. वैसे मैं पहले जो कैस्टर ऑयल यूज करती थी वो मैंने स्किन पे कभी अप्लाई नहीं किया. बट या लिप्स पे, आई लैशेस पे, आईब्रोज पे मैं अप्लाई करती थी. सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई दिस वाव का कैस्टर ऑयल इन माई स्किन बिकॉज ये प्रोडक्ट पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ. या सो दिस इज फॉर स्किन. नाउ कम टू आई लैशेज एंड आईब्रो वाला पार्ट. सो ऑब्वियसली हेयर पे जब हम इसे यूज कर रहे हैं, हेयर ग्रोथ पे हेल्प कर रहा है, तो हमारी आईब्रोज एंड आई लैशेज पर भी ये वर्क करेगा. बट कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली है कि आप इसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना ले लें. एज आई एम शोइंग यू 1 or 2 ड्रॉप्स आप इसे ले, 1 or 2 ड्रॉप ही आप इसके लिए कैस्टर ऑयल के, और पलकों पे धीरे धीरे राउंड राउंड करके आप इसे लगाएं. यस, इसे भी आप रात को ही लगाएं क्योंकि दिन भर में क्या होता है, आप बाहर जाएंगे, डस्ट लगेगा, पॉल्यूशन जो है आपकी आईब्रोज आपकी लैशेस पे चिपकेगा. सो उससे बेटर आप इसे रात को ही यूज करें. एंड आईब्रोज पे भी सेम वाइस वर्सा आप इसे धीरे धीरे मसाज करके लगाएं एंड देख ले आपकी स्किन पे भी लग जाएगा तो कोई इशू नहीं है बिकॉज इसे हमने स्किन में तो लगाया ही हुआ है. सो या इस तरीके से आप इसे आई लैशेस एंड आईब्रोज पर भी लगा सकते हैं एंड बड़े ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे. बट कोई भी रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता है, ट्रस्ट मी. और इस चीज पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉमेंट आ जाते हैं, हिमानी मैं इसे यूज कर रही हूँ 15 दिन से 10 दिन से कुछ हो ही नहीं रहा है. सो गाइज किसी भी चीज को 20 days से ज्यादा, yes, more than 20 days आपको उसे कंटिन्यूस करना होता है रिजल्ट देखने के लिए. इफ आपको एक्सरसाइज से लेके डाइट से लेके किसी भी चीज के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको अगर उसका रिजल्ट देखना है सो यू हैव टू कीप इट टिल 20 more than 20 days. तो मैं इसे 1 month ही कहूंगी. 1 month आप इसे कंटिन्यूस यूज कीजिए एंड उसके बाद यू गाइज कैन सी द रिजल्ट. एंड इफ कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तब तो आप उसे छोड़ सकते हैं, मिलता है तो वेल एंड गुड. या ऑब्वियसली वैसे कैस्टर ऑयल का रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा बिकॉज इट वर्क्स वंडर लाइक माय चैनल वंडरलस्ट. ओके शट अप हिमानी. ओके सो नाउ कम टू लास्ट थिंग व्हिच इज नेल्स वाला पार्ट. सो नेल्स बढ़ाने में भी ये बहुत मदद करता है एंड ट्रस्ट मी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके नेल्स बहुत वीक होते हैं एंड कैल्शियम का इशू तो होता ही है इसमें. बट अलॉन्ग विद दैट कैस्टर ऑयल बहुत हेल्प करता है आपके नेल्स ग्रो करने में. सो आप इसे जेंटली बहुत ही अच्छे तरीके से अपने नेल्स में मसाज कर सकते हैं. एंड नेल्स में मसाज करने के बाद भी आप रात को इसे कीजिए कि हाथों में बहुत देर तक रहेगा. यस एंड ऑब्वियसली आप इसे जेंटली मसाज करके छोड़ सकते हैं एंड ये आपकी नेल्स ग्रोथ करने के लिए, शाइन करने के लिए भी बहुत हेल्प करेगा. यस माय मोस्ट कंसर्न्ड वाला पार्ट व्हिच इज लिप्स. तो लिप्स जो है हमारे वो डेफिनेटली सबके लिप्स जो है सब चाहते हैं कि पिंक से हो, बड़े ही सॉफ्ट से हो. तो या पिंक की बात तो मैं नहीं करती बट आपके लिप्स सॉफ्ट एंड जो ड्राई हो जाते हैं उससे आपको जरूर बचाएगा कैस्टर ऑयल. तो कैस्टर ऑयल लिप्स पे आप कैसे यूज कर सकते हैं, 2 or 3 ड्रॉप लें आप कैस्टर ऑयल के, अच्छे से हाथों में थोड़ा सा ऐसे रब कर लें. किसी भी प्रोडक्ट को, मैं सिर्फ ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी प्रोडक्ट होता है ना उसे आपको अच्छे से ना ऐसे बहुत ही सही तरीके से हाथों में, पाम जल्दी हीट होता है तो आपको उस पर थोड़ा सा ऐसे रब करना है एंड उसके बाद आप अपने लिप्स पे अच्छे से लगा ले एंड रात को सो जाए. सुबह ही आपको इमीडिएटली फील हो जाएगा, 1% तो फील हो ही जाएगा कि यार मेरे लिप्स थोड़े से डिफरेंट, मतलब मुझे अच्छे सॉफ्ट फील हो रहे हैं. ट्रस्ट मी ट्राई दिस. या सो कैस्टर ऑयल वाओ. I'm going to use this product and if you also want to buy then check my description box. Also, बहुत सारे offers चल रहे हैं तो avail the offers.
ऑल्सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या हेल्पफुल रहा आपके लिए, आपको नहीं पता थे कैस्टर ऑयल के फायदे और आपको पता चले, सो ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन चारा बाय बाय.